Radio Union, a flavor life. www.radioeden.com. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 214th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। जी हाँ, 16 ऐसे वर्ड जो कि इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, तो उनकी आज हम बात करेंगे। तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। और साथ ही अगर आपने अभी तक YouTube चैनल रेडियो रन का सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए, बेल बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि आप सभी शोज के सभी एपिसोड्स बार बार जितनी मर्जी बार चाहें सुन सकें और वहां भी कमेंट एरिया में व्यूज दे सकें। तो चलिए अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। उफ़ मम्मा, कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं आप किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 214th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो दोस्तों, ये 16 इंटरेस्टिंग और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं ये बहुत ही आपको अच्छे लगने वाले हैं। तो चलिए देरी नहीं करते और जल्दी से बात करते हैं फर्स्ट वर्ड की। तो जो पहला वर्ड है शाम का वो है एम्बीग, 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 ए एम बी आई जी यू ई, एम्बीग, ए एम बी आई जी यू ई, एम्बीग। तो दोस्तों, ये जो एम्बीग होता है इसका मतलब होता है एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, कोई ऐसा एक्सप्रेशन देना या कोई ऐसी बात कहना, स्टेटमेंट देना जो कि कंफ्यूजिंग है, एम्बिगुअस है, तो उसे आप कहते हो एम्बीग, यानी कि कंफ्यूजिंग, क्लियर ना हो कोई चीज, तो उसे हम कहते हैं एम्बीग। जैसे इट वॉज एन एम्बीग रिपोर्ट बाय यू, जो तुमने रिपोर्ट बनाई वो एम्बीग थी, यानी कि क्लियर नहीं थी, बहुत कंफ्यूजन थी उसमें, क्लैरिटी नहीं थी, तो एम्बीग, ए एम बी आई जी यू ई, एम्बीग, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो सेकंड वर्ड है शाम का दोस्तों वो है फ्लिपेंट, फ्लिपेंट, एफ एल आई पी पी ए एन टी, फ्लिपेंट, एफ एल आई डबल पी ए एन टी, फ्लिपेंट, फ्लिपेंट, यानी कि नॉट शोइंग अ सीरियस और होता ना रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, मतलब एक सीरियस और रिस्पेक्टफुल जब आप एटीट्यूड नहीं दिखाते किसी चीज की तरफ तो उसे लाइट वे में लेते हैं आप उसको, मतलब कि उसे जैसे उतना हल्के में ले रहे हैं आप किसी चीज को, तो वो हो जाता है फ्लिपेंट। जैसे इट वॉज अ फ्लिपेंट रिमार्क, मतलब उसने सीरियसली नहीं कुछ बोला, इट वॉज जस्ट अ फ्लिपेंट रिमार्क, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट चीज थी और उसमें उसने कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं की, एक ऐसी हल्के में कोई बात कह दी, सो इट वॉज अ फ्लिपेंट रिमार्क बाय हिम। सो जैसे आप एक कोई प्रेजेंटेशन बनाई है आपने और आपके मैनेजर ने उस पर एक बड़ी, मतलब होता ना कि पूरा बताना है कि कैसी है कैसी नहीं, उसने एक हल्की सी बात कह दी तो आप कहोगे इट वॉज नॉट अ सीरियस रिमार्क, इट वॉज जस्ट अ फ्लिपेंट रिमार्क, तो फ्लिपेंट, क्लियर। कोई डाउट्स रह गए हो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो थर्ड वर्ड है शाम का वो हैंगर, 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 यानी कि दोस्तों ये वो रहा हैंगर नहीं है जिसमें हम कपड़े टांगते हैं, ये हैंगर, H-A-N-G-A-R, हैंगर, यानी कि अ लार्ज स्ट्रक्चर एट एन एयरपोर्ट वेयर एयरक्राफ्ट कैन बी स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड, मतलब मोस्टली जो एयरपोर्ट वगैरह होते हैं वहां पे एक एरिया होता है जहां पे एरोप्लेन्स जो होते हैं, क्राफ्ट होते हैं, उन्हें वहां पे स्टोर किया जाता है या फिर उन्हें वहां पे क्या किया जाता है, वहां उनकी देखरेख की जाती है, उन्हें मेंटेन किया जाता है, तो उस एरिया को हम कहते हैं हैंगर, H-A-N-G-A-R, हैंगर, क्लियर। जैसे A large building with an extensive floor area, typically for housing,
एयरक्राफ्ट में एक बहुत सी बिल्डिंग है, उसमें बहुत ज्यादा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे आप एरोप्लेन से एयरक्राफ्ट को स्टोर करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, तो उस एरिया को हम हैंगर कहते थे। जैसे द एयरक्राफ्ट इज पार्क्ड इन द हैंगर, मतलब अभी जो एरोप्लेन है या एयरक्राफ्ट है वो भी हैंगर में खड़ा हुआ है, यानी कि जिसका खड़ने की एरिया होता है, जैसे गाड़ियों के खड़ने का एरिया गराज होता है, वैसे एरोप्लेन का जो स्पेसिफिक एरिया होता है उसे हम कह देते हैं क्या कह देते हैं, हैंगर। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ, तो दोस्तों ये जो फोर्थ वर्ड है ये भी थोड़ा मिलता जुलता है बोलने में, पर अलग वर्ड है बिल्कुल। तो ये है दोस्तों फोर्थ वर्ड, हरेंग। हरेंग, HARANGUE, हरेंग, HARANGUE, हरेंग, यानी कि दोस्तों लेक्चर देना समवन एट लेंथ इन एन अग्रेसिव एंड क्रिटिकल मैनर। जब आप अग्रेसिव, गुस्से में, जोश में किसी को भाषण दे रहे हैं तो उसे हम लेक्चर दे रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हरांग, HARANGUE, हरेंग। जैसे ही हरेंग्ड द पब्लिक ऑन देयर इग्नोरेंस, मतलब जैसे कोई टीचर है वो डांट रहे लोगों को, पेरेंट्स को, बच्चों के, कि आपको इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि बच्चों को किसी और के हाथ नहीं जाने दिया जाता, ये वो मतलब बेसिक चीजों पे डांट रहे कि मतलब लोगों को कॉमन सेंस नहीं है, इग्नोरेंस है, मतलब उनको अवेयरनेस नहीं है, तो उस पर कोई डांट रहा है, मिनिस्टर हो गया या मैनेजर हो गया या कोई हेड हो गया या कोई टीचर हो गया, तो वो डांट रहे, तो द टीचर या द डॉक्टर हरेंग्ड द पब्लिक ऑन देयर इग्नोरेंस, कि मतलब उनकी जो इग्नोरेंस होता है दोस्तों, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ वर्ड, इग्नोरेंस का मतलब होता है जब आपको जानकारी ना हो चीजों के बारे में, तो वो होता है आप इग्नोरेंट होते हो, तो इग्नोरेंस कहते हैं जानकारी ना होना। ठीक है, तो डॉक्टर ने लोगों को डांटा कि भाई इतनी बार कहे खांसते वक्त हाथ रखो मुंह पे और वो नहीं रखते, उसके उनको इन्फेक्शन हो गया, सो द डॉक्टर हरांग्ड द पब्लिक ऑन देयर इग्नोरेंस। ठीक है, हरांग्ड यानी कि डांटना, जोश में आके, गुस्से में डांटना। तो दोस्तों ये हो गए हमारे फोर वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 214th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ रिकैप, ताकि जल्दी से कोई भी वर्ड छूट गया तो आप जल्दी से एकदम क्रॉस चेक कर लें। तो चलिए, जो पहला वर्ड था शाम का वो था एम्बिग, एम्बिग, AMBIGUE, एम्बिग। एम्बिग का मतलब मैंने बताया था एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, कोई ऐसा एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट देनी जो कि कंफ्यूजिंग है, एम्बिग है, तो उसे हम कहते हैं एम्बिग, जो क्लियर नहीं है उसे हम कहते हैं एम्बिग। जैसे इट वॉज एन एम्बिग रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई वो एक एम्बिग रिपोर्ट थी, यानी कि क्लियर नहीं थी, कंफ्यूजिंग थी, एम्बिग रिपोर्ट, क्लियर। तो चलिए जो सेकंड वर्ड है शाम का वो था फ्लिपेंट, फ्लिपेंट, FLIPPENT, फ्लिपेंट, FLIPPENT, फ्लिपेंट, यानी कि नॉट शोइंग अ सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। किसी चीज को आप हल्के में ले रहे हैं, सीरियस, उसकी सीरियसनेस नहीं समझ रहे हैं, उसको हल्के में ले रहे हैं, मतलब आप सीरियसली उसकी बात भी नहीं कर रहे, उस पर बात भी आप बहुत हल्के से कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा फ्लिपेंट हो जाता है। जैसे इट वॉज अ फ्लिपेंट रिमार्क, मतलब उसने सीरियसली नहीं लिया, उसको सीरियसली बात भी नहीं की, उसने सिर्फ एक हल्का फुल्का रिमार्क दे दिया, सो इट वॉज अ फ्लिपेंट रिमार्क, क्लियर। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज हैंगर, HANGAR, हैंगर, HANGAR, हैंगर, यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया था अ लार्ज स्ट्रक्चर एट एन एयरपोर्ट वेयर एयरक्राफ्ट कैन बी स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड। एरोप्लेन जहाँ पे होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, वहाँ पे एक जगह एरिया हो जहाँ पे एरोप्लेन को स्टोर किया जाता है, वहाँ पे उनको रिपेयर की जाती है, उन्हें खड़ा किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं हैंगर, क्लियर। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग, वेल एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, जैसे द एयरक्राफ्ट इज पार्क्ड इन द हैंगर, यानी कि वो हैंगर में खड़ा हुआ है, जैसे गराज होता है गाड़ियों के खड़ने के लिए, वैसे एक एरिया जहाँ पे एरोप्लेन को खड़ाया जाता है, मेंटेन करने के लिए रखा जाता है, तो उसे हम हैंगर कह देते हैं, क्लियर। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज हरेंग, हरेंग, HARANGUE, हरेंग, HARANGUE, हरेंग, यानी कि लेक्चर देना समवन, लेक्चर समवन एट लेंथ इन एन अग्रेसिव एंड क्रिटिकल मैनर। किसी को भाषण देना सीरियस होके लंबा चौड़ा, तो उसे हम कह देते हैं हरेंग। जैसे ही हरेंग्ड द पब्लिक ऑन देयर इग्नोरेंस, मतलब डॉक्टर ने आम लोगों को, आम कॉमन सेंस नहीं है कि खांसते हुए हाथ रखना है या कोई छींक मारा है तो उसे दूर हो जाना है, तो वो कॉमन सेंस की बातों पे यूज कर रहे हैं, तो डॉक्टर गुस्सा कर रहा है लोगों को, सो द डॉक्टर हरेंग्ड द पब्लिक ऑन देयर इग्नोरेंस। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे फोर वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 214th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग सेगमेंट्स। यू स्टे ट्यून्ड, वी आर लिसनिंग टू रेडियो रान, हैप्पी लिसनिंग। कच्ची डोरियों 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 से
हाथ ले। पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला। सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया तेरे लिया यारा, ना पावी कद दूरियां। तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं तेरे लिया तेरे लिया यारा, ना पावी कद दूर। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफर लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए, क्योंकि ऑफर लिमिटेड समय तक है। थैंक यू। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 214th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फिफ्थ वर्ड। तो जो पांचवा वर्ड है शाम का, वो है बर्रेट। बर्रेट
BERATE बरेट, BERATE बरेट, जैसे मतलब होता है ना कि डांटना, किसी को झिड़के मारना, डांटना, तो उसे हम रिब्यूक करना, तो उसे हम क्या देते बरेट, जैसे द प्रिंसिपल बरेटेड द टीचर्स फॉर देयर रॉन्ग कंडक्ट, मतलब प्रिंसिपल ने टीचर्स को डांटा कि आपको ये इस तरीके से मैनेज करना था, आपने गलत तरीके से मैनेज क्यों किया, तो प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई जिसमें सभी टीचर्स थे और उनको डांटा, जोर के डांट लगाई, सो द प्रिंसिपल बरेटेड, BERATE बरेट, ठीक है, पास में डी लग गया तो बरेटेड, क्लियर। तो चलिए द सिक्स्थ वर्ड फॉर द इवनिंग इज हेरेसी, हेरेसी, HERESY हेरेसी, आई रिपीट HERESY हेरेसी, हेरेसी यानी कि बिलीफ और ओपिनियन कंट्रेरी टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस या फिर स्पेशली जैसे क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, मतलब जो पुराने ट्रेडिशनल समय से चलता आ रहा है, मान्यताएं चलती आ रही हैं, स्पेशली क्रिश्चियन उसमें जो मान्यताएं चलती जा रही है उससे विरुद्ध होकर बात करना है, उससे अगेंस्ट बात करना, उस बिलीफ से विरुद्ध बात करना, तो उसे हम कहते हैं हेरेसी, HERESY हेरेसी, जैसे ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज हेरेसी, मतलब जो मान्यताएं चल रही हैं क्रिश्चियंस में या किसी भी रिलीजन में कोई पुरानी ट्रेडिशन बातें चलती आ रही है उसको आप मान नहीं रहे, उसके अगेंस्ट विरोध कर रहे हो, उसके विरुद्ध जाकर कुछ और बात कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पनिश किया गया, सो हम क्या बोलेंगे यू वर पनिश्ड फॉर हेरेसी, HERESY हेरेसी, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट रह जाए तो पूछ सकते हैं आप। हेरेसी हो गया इस तरीके से कि आप किसी मान्यता का विरुद्ध करके उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो हेरेसी, ठीक है, क्लियर। तो चलिए द सेवंथ वर्ड फॉर द इवनिंग इज हायटस, 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 HIATUS हायटस, HIATUS हायटस, यानी कि दोस्तों अ पॉज और ब्रेक इन इन ऑर्डर ने कॉन्टिन्यूटी इन अ सीक्वेंस और एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई सीक्वेंस चल रहा है, उसमें ब्रेक लग जाए बीच में या पॉज हो जाए, मतलब छोटी सी ब्रेक आ जाए, तो उसे हम कहते हैं हायटस, HIATUS हायटस, जैसे देयर वाज अ ब्रीफ हायटस इन द वॉर विद फ्रांस, मतलब फ्रांस के साथ वॉर चल रहा था तो बीच में कुछ ऐसा समय था जब पॉज था, रुका हुआ था, ये जो वॉर चल रहा था, लड़ाइयां चल रही थी, युद्ध चल रहा था, महायुद्ध चल रहा था, वो थोड़ी देर के लिए रुक गया था, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ महीनों के लिए हो सकता है, तो उससे हम क्या कहते हैं हायटस, क्योंकि जो वॉर होते हैं वो सालों चलते हैं, सालों भर चलते हैं कई बार, सो देयर वाज अ ब्रीफ हायटस इन द वॉर विद फ्रांस, फ्रांस का जब वॉर होता है उसमें कुछ समय के लिए ब्रेक लगी थी, सो उसे हम क्या कहते हैं हायटस, हायटस यानी कि अ पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी, क्लियर, गॉट इट, कोई डाउट रह गए हैं आप पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए जो एट वर्ड है दोस्तों वो है हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक, HISTRIONIC हिस्ट्रियोनिक, HISTRIONIC हिस्ट्रियोनिक, यानी कि दोस्तों एक्सेसिवली थ्रियोटिकल और ड्रामेटिक इन करेक्टर और स्टाइल, कोई चीज स्टाइल में अपने तरीके में बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज है, बहुत ज्यादा मतलब जैसे थियोरेटिकल थिएटर नहीं होता, जैसे बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हो करना या बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज करके ड्रामा करते हो करना, तो उसे हम कहते हैं क्या कह रहे थे हम उसे हिस्ट्रियोनिक, HISTRIONIC हिस्ट्रियोनिक, ठीक है, क्लियर। जैसे हिस्ट्रियोनिक का एक एग्जाम्पल दूंगी आपको क्लियर हो जाएगा, अ हिस्ट्रियोनिक आउटबर्स्ट, मतलब उसे बहुत जोर की गुस्सा आया और वो एकदम से फट गया, तो वो ड्रामा बड़ा ही ड्रामा करते हुए उसने डांटा बोलने लगा, सो इट वाज अ क्या हो गया हिस्ट्रियोनिक आउटबर्स्ट, ठीक है, या फिर हिस्ट्रियोनिक जेस्टर्स, कोई जेस्टर्स कर रहा है, बड़े स्टाइल मार के जेस्टर्स कर रहा है, सो आप क्या करो दे वर या दीज वर या दीज आर हिस्ट्रियोनिक जेस्टर्स, क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे फोर वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 214th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, सो लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज एंड कन्वीनियंस। तो दोस्तों फिफ्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज बरेट, BERATE बरेट, यानी कि द प्रिंसिप, जैसे होता है ना किसी को डांट लगानी, फटकार लगानी, रिब्यूक करना, तो उसे हम कह रहे थे बरेट करना, जैसे द प्रिंसिपल बरेटेड द टीचर्स फॉर देयर रॉन्ग कंडक्ट, कि उनके गलत काम के लिए, गलत चीजों के लिए उसे डांटा, मतलब टीचर्स को डांटा या किसी को डांटा, तो वो बरेट करना होता है, BERATE बरेट। तो चलिए द सिक्स वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हेरेसी, 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 HERESY हेरेसी, यानी कि बिलीफ और ओपिनियन कंट्रेरी टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस,
स्पेशल क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन जो लिखित में चीजें हैं पुराने समय से चलती आ रही हैं कोई रिलीजन में स्पेशली क्रिश्चियंस में उसके विरुद्ध जाके बात करना है उसे अगेंस्ट बात करना तो उसे हम कहते हैं हेरेसी HERES वह हेरेसी जैसे ही वॉज पनिश्ड फॉर हेरेसी क्योंकि उसके विरुद्ध बात की उसने उसके विरुद्ध जाके काम किया तो उसको उसके लिए पनिश किया गया सो ही वॉज पनिश्ड फॉर हेरेसी ठीक है क्लियर तो चलिए कोई डाउट रह गया किसी वर्ड को लेके आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं अभी के लिए जो सेवंथ वर्ड है शाम का वो था हायटस हायटस HIATUS हायटस यानी कि अ पॉज और ब्रेक इन कंटिन्यूटी इन सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी किसी एक्टिविटी चलती आ रही है उसमें बार बार पॉजेज आ रहे हैं कोई भी ब्रेक आ रही है छोटा सा ब्रेक लग गई छोटे कुछ समय के लिए पॉज हो गया रुक गया तो उसे हम कहते हैं हायटस जैसे देयर वाज अ ब्रीफ हायटस इन द वॉर विद फ्रांस कि मतलब फ्रांस का जब वॉर चल रहा था तो बीच में कुछ समय के लिए रुकावट हुई थी रुका था वॉर सो देयर वाज अ हायटस ठीक है HIATUS हायटस तो चलिए द एट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हिस्ट्रियोनिक HISTRIONIC हिस्ट्रियोनिक हिस्ट्रियोनिक दोस्तों होता है एक्सेसिवली थियोरेटिकल या फिर ड्रामेटिक मतलब बहुत ही ड्रामेटिक ड्रामा हो उसमें बहुत या फिर थियोरेटिक जैसे थिएटर में नहीं होता एक्टिंग वैसे पूरी भरे हुई एक्टिंग सी भरी हुई हो तो उस चीज को हम कहते हैं हिस्ट्रियोनिक जैसे कह सकते हैं इट वॉज अ हिस्ट्रियोनिक आउटबर्स्ट मतलब एकदम से गुस्सा आ गया और गुस्से में वो पता नहीं क्या क्या बोल गया सो इट वॉज अ हिस्ट्रियोनिक आउटबर्स्ट या फिर These are histrionic gestures. कोई gestures बना रहे बड़े style बना के बड़े जैसे theater में acting कर रहे हो वैसे अपने gestures कर रहे हैं तो उसे आप क्या कर रहे हो These are histrionic gestures. तो दोस्तों ये हो गए हमारे four words for the second segment of this 214th episode of Vocabulary Dose. तो मुझे उम्मीद है कि सभी words आपको बिल्कुल clear हो गए होंगे कोई doubt है किसी word को लेके आप कभी भी पूछ सकते हैं पर अभी के लिए ले लेते हैं एक छोटी सी break and I'll be right back with the remaining segments. आप सुन रहे हैं Vocabulary Dose with RZ Logophile Divya. दिल का दरिया बह ही गया इश्क इबादत बन ही गया खुद को मुझे तू सौंप दे मेरी जरूरत तू बन गया बात दिल की रोने की सच कह रहा तेरी कसम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना चाहने लगे हम
इस जगह गई चाहते अब मेरी छीन लूंगा तुम्हें सारी दुनिया से ही तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी जिस रास्ते चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सावन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 214th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी टूर्स एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 9th वर्ड। तो जो नौवां वर्ड है शाम का वो है दोस्तों होरी। होरी होरी HORY होरी, यानी कि शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज स्पेशली हैविंग ग्रे और व्हाइट हेयर। ग्रेश व्हाइट जब हेयर होने लगते हैं, जब बुढ़ापे की जैसे होता है ना, बुढ़ापे की थोड़ी सी क्या कह सकते हैं कि एक साइन आने लगे कि हाँ ग्रे हो रहे हैं, व्हाइट बाल हो रहे हैं, तो वो एज की वजह से, तो उसे हम कहते हैं होरी HORY होरी, यानी कि शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज। जैसे कह सकते हैं During the meeting nodded his hoary head, मतलब during the meeting he nodded his hoary head, मतलब जब पूछा कि कौन कौन ही प्रेजेंटेशन पे काम करना चाहेगा, तो उस दौरान रोहन ने उसका जो ग्रेश व्हाइट हेड था वो हाँ में हिलाया। सो ड्यूरिंग द मीटिंग रोहन नोडेड हिज hoary head, hoary head यानी कि ग्रेश हेड, यानी कि मतलब बुढ़ापे की निशानी। इससे आपको पता लगेगा, मैं एक सेंटेंस कहीं भी किसी को भी बोलूं कि ड्यूरिंग द मीटिंग रोहन नॉडेड हिज होरी हेड, यानी कि हम समझ जाएंगे कि जो रोहन है वो थोड़ा बूढ़ा है, बुढ़ापे की तरफ है, कि वाइट ग्रेश बाल होने लगे उसके, तो इससे पता लग जाता है, ठीक है। नहीं तो मैं ये भी कह सकती हूँ रोहन नॉडेड हिज हेड, बट हम कह रहे हैं रोहन नॉडेड हिज होरी हेड यानी कि ग्रेश व्हाइट, क्लियर। तो चलिए अभी के लिए अगर कोई डाउट रह गए आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अब चलते हैं हम 10th वर्ड की तरफ, हाइपोकॉन्ड्रिया। 10th वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रिया HYPOCHONDRIA हाइपोकॉन्ड्रिया। आई रिपीट, हाइपोकॉन्ड्रिया HYPOCHONDRIA हाइपोकॉन्ड्रिया, यानी कि अ स्टेट इन विच अ पर्सन कंटिन्यूसली वरीज अबाउट देयर हेल्थ विदाउट हैविंग एनी रीजन टू डू सो। मतलब कोई व्यक्ति हर वक्त फालतू में अपनी तबीयत के बारे में सोचता रहे, पैनिक करता रहे, जबकि उनको कोई रीजन नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल हेल्थ सही है, फिर भी वो सोचता रहे, तो उसे हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया HYPOCHONDRIA हाइपोकॉन्ड्रिया, बताया मैंने, अ स्टेट इन विच अ पर्सन कंसिस्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली वरीज अबाउट देयर हेल्थ
when they have no reason to do so. कोई बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल हेल्थी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं, फिर भी वो हर वक्त रोता रहा है, सोचता रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं खराब हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही, तो उसे हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया. ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिया. तो अगर कोई डाउट है इस वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे सेंटेंस बना देती हूँ, हाइपोकॉन्ड्रिया हैज ग्रिप्ड द नेशन. मतलब आजकल कंट्री में बात कर लीजिए तो 90% लोग सोचने लगते हैं हमें तो ये हो गया, हमें वो हो गया, हमारी तबीयत खराब होगी, जबकि वो बिल्कुल ठीक है. सो जो कंट्री है वो जकड़ी जा रही है हाइपोकॉन्ड्रिया में, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग दैट दे आर नॉट वेल, दे आर नॉट फिट, दे आर नॉट हेल्दी, दे हैव दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, दिस डिजीज, दैट डिजीज. सो दिस इज व्हाट वी कॉल हाइपोकॉन्ड्रिया. क्लियर? तो चलिए अभी के लिए 11th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, हाइपोकॉन्ड्रिया एक ऐसा वर्ड है जो शायद बहुत से लोगों को सेट बैठेगा. आप अगर सोचोगे तो आपकी सेक्टर में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा आपको. एनी हाउ, अभी के लिए जो 11th वर्ड है दोस्तों वो है इग्नमी. इग्नमी, IGNOMINY, इग्नमी, IGNOMINY, इग्नमी, यानी कि अ स्टेट ऑफ डिसऑनर. मतलब कोई ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल खराब, मतलब आपका बिल्कुल अपमान हो रहा है, आपका मतलब बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, आपको बिल्कुल ऑनर नहीं हो रहा है, आपको मतलब आपकी बेइज्जती हो गई एक तरीके से, एम्बैरेस हो गए आप, बहुत बेइज्जती हो गई. तो उसे हम कहते हैं इग्नोमिनी. जैसे suffered the ignominy of being sent to prison. मतलब उसे किसी कारणों की वजह से जेल जाना पड़ा, तो उसे वो जो बेइज्जती है वो उसे फेस करनी पड़ी, उसका सामना करना पड़ा उस बेइज्जती का. सो ही सफर्ड द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग सेंट टू द जेल, या सेंट टू द प्रिजन. सो इग्नोमिनी. ठीक है, क्लियर? तो चलिए अभी के लिए जो 12th वर्ड है इस शाम का वो है इम्यूटेबल. इम्यूटेबल, IMMUTABLE, इम्यूटेबल, IMMUTABLE, इम्यूटेबल, यानी कि नॉट सब्जेक्ट और ससेप्टेबल टू चेंज और वेरिएशन इन फॉर्म ऑफ क्वालिटी और नेचर. कोई चीज किसी भी तरीके से, चाहे क्वालिटी में या फिर नेचर में या उसके शेप में चेंज ना हो, सेम रहे, तो उसे हम कहते हैं इम्यूटेबल, IMMUTABLE, इम्यूटेबल. जैसे इट इज एन इम्यूटेबल फैक्ट, मतलब एक ऐसा फैक्ट है जो कि चेंज नहीं हो सकता. अगर सूरज इस तरफ से निकलता तो इस तरफ से ही निकलेगा, दूसरी तरफ से नहीं निकलेगा. ठीक है, सो इट्स अ फैक्ट विच इज इम्यूटेबल. क्लियर? चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं इस थर्ड सेगमेंट का. जो नौवां वर्ड था शाम का वो था हॉरी, HORY, हॉरी, यानी कि शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज, स्पेशली हैविंग ग्रे और व्हाइट हेयर. जैसे ग्रेश व्हाइट बाल होने लगे तो उसे आप कह सकते हैं हॉरी. जैसे रोहन नॉडेड हिज हॉरी हेड ड्यूरिंग द मीटिंग, मतलब मीटिंग में उसने जो रोहन ने अपना सिर हिलाया, ग्रेश व्हाइट सिर हिलाया, तो ग्रेश व्हाइट सिर हिलाया मीटिंग के दौरान, तो ग्रेश व्हाइट हेड को हमने कह दिया हॉरी, HORY, हॉरी. जैसे रोहन नॉडेड हिज हॉरी हेड. क्लियर? तो चलिए द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज हाइपोकॉन्ड्रिया. हाइपोकॉन्ड्रिया, HYPOCHONDRIA, हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपोकॉन्ड्रिया, यानी कि अ स्टेट इन विच अ पर्सन कंटिन्यूसली वरीज अबाउट देयर हेल्थ विदाउट हैविंग एनी रीजन टू वरी अबाउट इट. मतलब कोई व्यक्ति हर वक्त टेंशन लेता रहे, वरी करता रहे, पैनिक करता रहे अपनी हेल्थ को लेकर, जबकि उनको कोई रीजन नहीं है इस चीज को, हेल्थ को लेकर सोचने का, तो उसे हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया, HYPONCHONDRIA, हाइपोकॉन्ड्रिया. जैसे हाइपोकॉन्ड्रिया हैज ग्रिप्ड द नेशन, मतलब नेशन ने बिल्कुल जकड़ लिया, कंट्री को जकड़ लिया इस हाइपोकॉन्ड्रिया ने, कि एक ऐसी सोच ने जिसमें आधे से ज्यादा लोग सोचते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जबकि वो बिल्कुल ठीक है. सो हाइपोकॉन्ड्रिया. क्लियर? कोई डाउट रह गए आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो 11th वर्ड है शाम का वो था इग्नोमिनी. इग्नोमिनी, IGNOMINY, इग्नोमिनी, IGNOMINY, इग्नोमिनी, यानी कि अ स्टेट ऑफ डिसऑनर, की ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति आ जाने जहाँ पे आप एम्बेरेस हो रहे हैं, आपकी बहुत बेइज्जती हो रही है, आपको बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है, फील कर रहे हैं आप बेइज्जती, तो उसे आप कहते हैं इग्नोमिनी. जैसे suffered the ignominy of being sent to the prison, मतलब उसे सामना करना पड़ा उस शर्म का, उस जैसे होता ना उस एम्बेरेसमेंट का, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा था, तो वो जो चीज थी कि वो जेल जाके आया, उस होता ना कि किसी कईयों को थोड़ा सा वो फील होने लगता है कि अरे होता ना, तो उस फीलिंग को हम क्या कहते हैं इग्नोमिनी. जैसे ही सफर्ड द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग सेंट टू द जेल या प्रिजन, व्हाटएवर. ठीक है, तो इग्नोमिनी. क्लियर? कोई डाउट रह गया पूछ सकते हैं आप. तो जो 12वां वर्ड था शाम का वो था इम्यूटेबल. इम्यूटेबल, IMMUTABLE, इम्यूटेबल,
IMMUTABLE इम्यूटेबल यानी कि नॉट सब्जेक्ट और ससेप्टेबल टू चेंज और वेरिएशन इन फॉर्म और क्वालिटी और नेचर या क्वालिटी में फॉर्म में तरीके में कोई चीज चेंज ना हो सके वैसी रहेगी वो, तो उसे हम कहते हैं इम्यूटेबल। जैसे इट इज एन इम्यूटेबल फैक्ट कि सूरज इधर से ही निकलता है, वो दूसरी तरफ से नहीं निकल सकता, वो इधर से ही निकलेगा। सो इट इज एन इम्यूटेबल फैक्ट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे फोर वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 214th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोको फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग वर्ड्स। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढते अपनी मंजिल का पता। जागा तेरी यादा आती है, जा मेरी जान जाती है, तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ। क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूँ छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतज़ार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूँ बेकरार। मुझको ये कर पाती है, जा मेरी जान जाती है, तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ। क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूँ छोड़ा, क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतज़ार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर है, टूटे अपनी मंजिल का पता। यादा तेरी यादा आती है, जा मेरी जान जाती है, तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ। छोड़ा क्यों तेरा अब भी रहे दिल को इंतज़ार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूँ बेकरार। खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर है।
मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625, वेबसाइट www.mitrajyoti.org, ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 214th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 13वें वर्ड की तरफ, और जो कि है इम्पिक्यूनियस। इम्पिक्यूनियस, IMPECUNIOUS, इम्पिक्यूनियस। आई रिपीट, इम्पिक्यूनियस, IMPECUNIOUS, इम्पिक्यूनियस, यानी कि Not having enough money to pay for necessities। दोस्तों, कई लोग होते हैं ना जो necessity, जैसे खाना, पानी, रोज का जो खाना होता है, कपड़ा होता है, तो उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, necessities के लिए भी पैसे नहीं होते, तो उन्हें हम कहते हैं impecunious। ठीक है, not having enough money means impecunious। जैसे the impecunious gentleman asked for a loan, मतलब एक ऐसा आदमी ने लोन के लिए कहा। ऐसा आदमी कैसा आदमी, जिसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। सो द इम्पिक्यूनियस, तो इम्पिक्यूनियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, द इम्पिक्यूनियस जेंटलमैन। सो इम्पिक्यूनियस यानी कि वेरी पुअर, एक्सट्रीमली पुअर, हु हैज नॉट हैविंग इवन अ पेनी टू हैव फूड। ठीक है, इम्पिक्यूनियस, क्लियर। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज इम्पॉवरिस्ड। इम्पॉवरिस्ड, IMPOVERISHED, impoverished। I repeat, IMPOVERISHED, impoverished, यानी कि poor enough to need help from others। कोई इतना गरीब हो जिसे औरों से पैसे मांगने की जरूरत पड़े, या गरीब वो ही है जिसको दूसरे से मांगना पड़े, है ना, तो वो impoverished, उसे हम कहते हैं impoverished। जैसे these struggles produce considerable stress in the lives of the impoverished and their families। मतलब ये जैसे कोरोना टाइम्स आए हैं जिसमें लोगों के बिजनेसेस बहुत इफेक्ट हुए, पिछले साल भी, इस साल भी लग रहा है, तो उसे उससे क्या हो गया, दीस सर्कमस्टांसेस हैव ब्रॉट, या फिर दीस स्ट्रगल्स हैव प्रोड्यूस्ड कंसीडरेबल स्ट्रेस इन द लाइव्स ऑफ द इम्पॉवरिस्ड एंड देयर फैमिलीज। मतलब ऐसे लोगों की लाइफ में और जिनकी फैमिलीज की लाइफ में, जो मतलब पहले ही औरों से मांग के खा रहे थे, औरों से हेल्प लेके कर रहे थे गुजारा। ठीक है, सो इम्पॉवरिस्ड, क्लियर। तो चलिए, इसी के साथ 15th एंड द सेकेंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज इनकेंटेशन। इनकेंटेशन, INCANTATION, इनकेंटेशन। इनकेंटेशन, INCANTATION, इनकेंटेशन का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ वर्ड्स सेड एज अ मैजिक स्पेल और चार्म। मतलब होता है ना, कई मैजिकल वर्ड्स बोलते हैं, जिससे वो कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो वो मैजिक, जादू के मंत्र जो होते हैं, उन्हें हम कह देते हैं इनकेंटेशन, INCANTATION, इनकेंटेशन। जैसे एन इनकेंटेशन टू रेज द डाइंग, मतलब कोई अगर मर रहा है, उसे कोई जादू मंत्र बोलना जिससे कि वो मरता मरता भी वापस कोमा से बाहर आ जाए, या फिर मरता मरता भी वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। सो एन इनकेंटेशन टू रेज द डाइंग, मतलब कुछ लोग हैं वो लगातार मंत्र बोली जा रहे हैं, वर्ड्स बोली जा रहे हैं, ताकि जो मर रहा है व्यक्ति वो बिल्कुल ठीक हो जाए, एकदम से उठ जाए, के बैठा हो जाए। सो दे क्या कह सकते हैं, देयर इज एन इनकेंटेशन टू रेज द डाइंग। इनकेंटेशन यानी कि चांटिंग हो रही है वर्ड्स की कुछ,
ठीक है, मंत्र बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोला जा रहा है, मैजिकल वर्ड्स, ठीक है, इनकंटेशन, क्लियर? तो अगर कहीं वर्ड यूज हो तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। अभी के लिए जो 16th एंड द लास्ट वर्ड है शाम का, वो है इंसिपिएंट, इंसिपिएंट, INCIPIENT, इंसिपिएंट, आई रिपीट, इंसिपिएंट, INCIPIENT, इंसिपिएंट, यानी कि ओनली पार्टली इन एग्जिस्टेंस, कोई चीज जो आधी अधूरी हो, भी पूरी तरीके से ना हो, आधी अधूरी बनी हो, इम्परफेक्टली फॉर्म्ड, मतलब आधा अधूरा, उसमें कुछ कुछ अभी चीजें रहती हैं, बनी कमी है जिसमें अभी, तो उसे हम कह देते हैं इन, क्या कहते हैं, इंसिपिएंट, INCIPIENT, इंसिपिएंट, जैसे इट इज एन इंसिपिएंट ट्यूमर, मतलब ये जो अभी ट्यूमर है आपके पेट में वो अभी इंसिपिएंट है, मतलब पूरी तरीके से डिवेलप नहीं, थोड़ा ही ट्यूमर अभी स्टार्ट ही हुआ है, आधा अधूरा ही, पूरी तरीके से नहीं हुआ है, सो इंसिपिएंट, क्लियर? तो दोस्तों ये हो गए हमारे फोर वर्ड्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 214th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे एक जल्दी से रीकैप लेना होगा आपकी आसानी के लिए, तो चलिए, जो 13वां वर्ड था शाम का वो था इम्पिक्यूनियस, इम्पिक्यूनियस, IMPECUNIOUS, इम्पिक्यूनियस, इम्पिक्यूनियस का मतलब मैंने बताया था नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे फॉर नेसेसिटीज, मतलब जो एसेंशियल चीज होते हैं, नेसेसिटीज होती हैं, जैसे खाना तीन टाइम का या एक टाइम का भी खाना मिल जाए, पानी, कपड़े, तो वो भी किसी के पास नहीं है, तो वो हो गया इम्पिक्यूनियस स्थिति हो गई, जैसे या इम्पिक्यूनियस पर्सन हो गया जिसके पास ये चीजें भी लेने के लिए पैसे नहीं है, जैसे द इम्पिक्यूनियस जेंटलमैन आस्क्ड फॉर द लोन, मतलब इम्पिक्यूनियस जेंटलमैन जिसके पास की खाने के लिए भी पैसे नहीं है, उसने लोन के लिए कहा, सो इम्पिक्यूनियस पर्सन, ठीक है, क्लियर? तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज इम्पॉवरिश्ड, इम्पॉवरिश्ड, IMPOVERISHED, इम्पॉवरिश्ड, इम्पॉवरिश्ड, यानी कि पोअर इनफ टू नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स, को इतना गरीब है जिसे और मदद मांगनी पड़े, तो उसे हम कहते हैं इम्पॉवरिश्ड, जैसे दीज स्ट्रगल्स प्रोड्यूस considerable stress in the lives of impoverished and their families. जैसे कोरोना टाइम से उन्होंने और तकलीफें ले आई ऐसे लोगों की लाइफ में जो पहले ही और लोगों से हेल्प ले लेके अपनी जिंदगी को गुजारा कर रहे थे, तो impoverished people की लाइफ में और भी struggles ले आई, और भी problems ले आई. तो चलिए, the 15th and the second last word for the evening was incantation. INCANTATION, 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 यानी कि a series of words said as a magic spell or charm, मतलब magical words बोलना ताकि आपको लग रहा है कि कुछ magic हो जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो आप chant कर रहे हैं कुछ words, so उसे हम कहते हैं incantation, जैसे This is an incantation to raise the dying, जो मर रहा है बीमारी से उसको बिल्कुल तंदुरुस्त करके उठाने के लिए ये एक चांटिंग है जो लोग कर रहे हैं, वर्ड बार बार वो कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, सो वो चांटिंग वर्ड्स हैं, तो वो उन वर्ड्स को, मैजिकल वर्ड्स को हम एज अ होल क्या कह देंगे, इनकंटेशन, INCANTATION, इनकंटेशन। तो अभी के लिए जो लास्ट वर्ड था दोस्तों इंसिपिएंट, इंसिपिएंट, INCIPIENT, इंसिपिएंट। तो दोस्तों ये जो लास्ट वर्ड था वो था इंसिपिएंट, जिसका मतलब मैंने आपको बिल्कुल बताया था, ओनली पार्टली इन एग्जिस्टेंस, कोई चीज जो आधी अधूरी अभी बनी हो, आधी अधूरी हो, पूरी नहीं हो, पूरी डिवेल्प, पूरी नहीं हुई या पूरी बनी नहीं हुई, तो उसे हम कहते हैं इंसिपिएंट, जैसे इट इज एन इंसिपिएंट ट्यूमर, मतलब डॉक्टर ने कहा इट इज एन इंसिपिएंट ट्यूमर, मतलब ये जो ट्यूमर है वो पूरी तरीके से अभी डिवेल्प नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बनना शुरू हुआ अभी, सो इंसिपिएंट, ठीक है, क्लियर, जो कि आधा अधूरा हो, इंसिपिएंट, INCIPIENT, इंसिपिएंट। तो दोस्तों ये थे हमारे फोर वर्ड्स फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 214th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक पर, आप बने रहिए क्योंकि अभी हमें थोड़ी और बातें करनी है लास्ट सेगमेंट में, तो मिलती हूँ ब्रेक के उस पार, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग। कुछ नहीं कुछ इश्क से ऊपर कुछ नहीं इश्क बिना
से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? Never fear when Saksham is here. जी हाँ, Saksham का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है Saksham की वेबसाइट पर www.saktek.in www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। Saksham इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 214th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और आज हमने बात की है 16 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स की। तो ये वर्ड्स मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आपको कैसे लगे आप बिल्कुल बताइएगा। अपने आइडियाज, सजेशंस, फीडबैक, व्यूज या कुछ भी आप चाहते हैं बताना या कहना या शेयर करना बिल्कुल कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.radiouran.com, हमारा ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, स्काइप हैंडल भी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। आप हमें मेल भी कर सकते हैं mail@radiouran.com पे। और अगर आप चाहें तो आप हमें बिल्कुल फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, हमारा पेज रेडियो उड़ान के नाम से आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बटन जो कि बेल बटन है उसे भी हिट नहीं किया तो बिल्कुल कीजिए सब्सक्राइब, ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड आप बार बार सुन सके और जितनी बड़ी मर्जी बार चाहें उसे सुन के अपना रिवीजन करते रहें। तो इसके लिए आपको वहां पे जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप वोकैबुलरी डोज की बात करें तो वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की, और वहां आपको 214 के 214 जो एपिसोड्स हैं वो बिल्कुल मिल जाएंगे। तो वहां भी आप कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोगो फाइल दिव्य शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम निरंगल डैम पंजाब इंडिया। तो चलिए, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल
जो रूल्स हैं वो फॉलो कीजिए ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो मैं यही प्रे करूंगी कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, सेफ रहें और बिल्कुल अच्छी अच्छी हेल्थ में रहें। तो इसी के साथ ये वर्ड्स का जरूर यूज कीजिएगा और अगर कोई डाउट्स रह गए तो क्लियर भी कीजिएगा। तो मैं लेती हूँ इजाजत, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक, हैप्पी लिसनिंग। सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं के फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम